नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ वीवो का वीवो X100। दोस्तों ये प्रो वाला वर्जन नहीं है, क्योंकि उसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है दोस्तों वो आपके यूजेस के हिसाब से होता है, बट प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने X100 परचेज़ किया। दोस्तों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, प्लस दोस्तों मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा, और साथ ही दोस्तों आपको आगे बताऊँगा कि आपको X100 लेना चाहिए या वन प्लस का 12 लेना चाहिए या दोस्तों सैमसंग का S24 लेना चाहिए। दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन इसकी कैटेगरी के आसपास ही आते हैं, एक ही प्राइस के आसपास, तो तीनों फ़ोनों में आपको कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा, और इसकी अनबॉक्सिंग होगी प्लस इसका दोस्तों डिटेल में रिव्यू भी किया जाएगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, वीडियो का थोड़ी लंबी हो जाए तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको तभी अच्छे समझ में आएगा कि आपके लिए इस फ़ोन में तीनों में से कौन सा बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास और फ़ोन नहीं है, मैंने यूज़ सारे फ़ोन किए हैं, बट मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोग आपको घुमा फिरा के कन्फ्यूज कर देते हैं, पर क्लियर नहीं बताते कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। इस बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया था, क्योंकि जब मैंने इसको ख़रीदा तो चेक करने के लिए इसमें हमें सब कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और मैं फ़ोन भी एक दो दिन से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने वीडियो के लिए फिर से पैक कर दिया। दोस्तों इसका है मेरे पास 12GB 256GB वाला वेरिएंट, कलर है मेरे पास इसका ब्लैक वाला, सार वैल्यू जो होती है दोस्तों वो सब इस पर लिखी गई है। दोस्तों इसकी MRP की बात की जाए तो वो है दोस्तों इसकी 68,000 दे देगी 68,999 रुपये, और मैनुफैक्चरिंग दोस्तों इसी साल की है जनवरी की। इसमें हमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिन लोगों को कैमरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके लिए दोस्तों ये एक बेस्ट फ़ोन है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि बॉक्स वीवो के फ़ोन जो आते हैं उनमें आपको कोई भी किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, चायर और कवर दोस्तों सब साथ में ही मिलते हैं, वीवो का कोई सा भी फ़ोन ले लो आप। दोस्तों इस तरह का ये ढक्कन आता है, बॉक्स काफ़ी बड़ा है जी। है दोस्तों इसका डिवाइस, इसको रखता हूँ साइड में। फिर इसके बाद दोस्तों ये एक पेपर है प्लास्टिक का। दोस्तों ये एक बॉक्स है इसके अंदर एक, जिसके ऊपर आपको सबसे ऊपर लगी मिलती है एक वीवो की पिन सिमिलेक्टर टूल। इसको ओपन करता हूँ तो इसमें दोस्तों आपको मिलते हैं कुछ पेपर, ये देखिए इसमें अंदर रखते हैं, क्योंकि हमारे एक काम के नहीं है ना ही कोई दोस्तों इनको यूज करता है। और ये है दोस्तों एक कवर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, टेक्सचर है इसके ऊपर मैट फिनिश टाइप से, और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लग रहा है मुझे। तो इसको बाहर निकालते हैं और करता हूँ बॉक्स को, और चीज़ देखते हैं उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। इसको रखता हूँ अंदर। इसमें दोस्तों मिलता है हमें चार्जर, जो कि दोस्तों 120 वोल्ट का होने वाला है, जो इसकी डाटा केबल है टाइप सी टू टाइप सी, दोनों तरह से सी टाइप है इसमें, टाइप ए वाली नहीं है, टाइप सी वाली डाटा केबल मिलती है इसमें। और ये है दोस्तों इसका एडाप्टर जो कि है 120 वोल्ट का, ये देखिए एडाप्टर दोस्तों इसका काफ़ी भारी है, 120 वोल्ट का एडाप्टर है, इससे आपका फ़ोन 0 से 100% आधे घंटे के अंदर हो जाएगा ऐसा कंपनी बोलती है। और दोस्तों मैंने चेक भी किया है अपने वीवो के और दूसरे चार्जर से, क्योंकि मेरे पास वीवो का और भी फ़ोन नहीं है, उनके चार्जर से मैंने इस फ़ोन को यूज किया, तो इसका दोस्तों 25 से 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो गया। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हमें चार्जर और कवर बॉक्स के अंदर ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों ये है कुछ इस तरीके से फ़ोन, रैपर में आता है, देखिए जिस सेटअप किया हुआ है इसलिए इस पर फिंगरप्रिंट का ये लोगो दिख रहा है, मैंने इसको ऑन कर लिया, यूज भी कर लिया था। इस तरीके से दोस्तों कुछ आता है, ये देखिए ये मैट फिनिश टेक्सचर है, एकदम स्लिपरी है ये दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि स्लिप ना हो, बहुत स्लिपरी फ़ोन है तो आपको कवर यूज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे पहले डिज़ाइन वगैरह की। दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम है, इसके दोस्तों कैमरे के ऊपर मैंने ग्लास लगवा दिया था, इससे कोई स्क्रैच ना है, इसलिए आपको यहाँ से कटआउट सा दिख रहा होगा, और ये बिंदी जो है इसलिए है क्योंकि ये जो ग्लास है ये इस फ़ोन का नहीं था, किसी और मॉडल का था, बट इस पर फिक्स आया तो मैं लगवा लिया।
दोस्तों इसमें आपको मिलती है 6.7 इंच की एक काफ़ी अच्छी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। फुल HD से ऊपर का रेजोल्यूशन इसको इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक कर्व डिस्प्ले है। तो सैमसंग की दोस्तों जो एमोलेड होती हैं उसी तरह की डिस्प्ले है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। साइड से जो कर्व होता है, कर्व इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ दोस्तों कि इसके साथ आपको जो कवर मिलता है फ़ोन का, वो तो आपको मिलता ही है। ये देखिए, लगाने के बाद भी आपको पता ही नहीं लगा कवर लगा हुआ है। ये देखो, काफ़ी पतला है। और ऊपर से दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर ये देखिए, इसमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लग के आता है, तो आपको इतनी जल्दी मार्केट नहीं जाना पड़ेगा फ़ोन के लिए। आप फ़ोन मंगाओगे तो आपको सब कुछ इसमें ओके मिलेगा। आप अपने फ़ोन को ऐसे यूज कर सकते हो, क्योंकि चार्जर, कवर और टेम्पर जो दोस्तों ये होता है, स्क्रीन गार्ड, सब कुछ आपको साथ में मिलता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है वीवो की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के मेन चीज़ कैमरा की, जो कि दोस्तों जिसका जो हाईलाइट है। तो इसमें दोस्तों आपको बैक में मिलते हैं 3 कैमरे का सेटअप, जो आपको 4 दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसमें एक सेंसर वगैरह हो सकता है, बट जो कैमरा है इसमें दोस्तों वो 3 है, 1, 2, 3। जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको सोनी का सेंसर मिलता है। और दोस्तों यही कैमरा आपको वीवो के जो फोल्ड आया है नया, उसमें भी यही देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है वीवो का। दूसरा कैमरा ही दोस्तों इसका 50 मेगापिक्सल का है। और तीसरा कैमरा जो होता है दोस्तों, टेलीफोटो लेंस जो बोलते हैं, वो मिलता है आपको इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कैमरे के मामले में वीवो कभी भी पीछे नहीं रहता, सबसे आगे रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों को वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ज़्यादा करनी होती है, तो दोस्तों वो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं बिना किसी सोच विचार करके। फटाफट से आप इस फ़ोन को ले सकते हो। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या कुछ थोड़ा बहुत इससे जानकारी मिल रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों इस फ़ोन में हमें मिलती है 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। और फेस अनलॉक भी दोस्तों इसका काफ़ी फास्ट है। कैमरा दोस्तों इसके अंदर जो फ्रंट मिलता है 32 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों इसके कैमरे में एक ही दिक्कत है कि आप इसके फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बाकी आप जो भी कुछ होता है सारे फिल्टर यूज़ कर सकते हो। बैक से तो आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, पर फ्रंट से नहीं कर सकते। बट काफ़ी लोग हैं जिनको इतना यूज नहीं होता फ्रंट कैमरे से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। तो इसके अंदर दोस्तों मिलती है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी, जिसके साथ आपको मिलता है 120W का चार्जर। अब बैटरी बैकअप की बात करूं, तो मैं इस फ़ोन को 2-3 दिन से यूज कर रहा हूं, इसमें मुझे 1.5 दिन का बैकअप मिल जाता है, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, नॉर्मल यूज होता है। अगर मैं इसको हैवी भी यूज करूँगा फिर भी मुझे एक दिन तो आराम से दे देगा। कितना भी हैवी यूज करूँ मुझे 7 से 8 घंटे का इसमें स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। अगर मैं इसमें हैवी गेमिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, तब आपको दोस्तों इसके अंदर 6 से 7 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो दोस्तों जो और बैटरी चार्जिंग की बात की जाए, तो आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की। तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें डायमेंसिटी का 9300 वाला प्रोसेसर, जो दोस्तों 9300 बोल सकते हो आप उसको, जो दोस्तों डायमेंसिटी की तरफ से है। तो दोस्तों इसका कंपेयर आप करोगे तो आप इसका कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से, क्योंकि वो भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है, प्रोसेसर है, और ये भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है। थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग कर सकते हो। इसके एंथ्यू स्कोर मैंने चेक किया था, तो वो आया था दोस्तों 20 लाख के आसपास, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आया था। तो प्रोसेसर के मामले दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आपका फ़ोन ना हीट होगा ना लैग करेगा, और दोस्तों प्रोसेसर का भी अच्छा, तो आप इसमें कितनी भी हैवी गेमिंग कर सकते हो किसी भी लेवल के ऊपर। तो गेमिंग के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, पतला भी है, बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा है, बैटरी भी काफ़ी लंबी चलेगी, और ये फ़ोन बिल्कुल हीट नहीं होता। मुझे आया था कोई इसमें हीटिंग इशू नहीं दिखा। अब दोस्तों सारी बातें हो चुकी हैं, अब इसकी बात करते हैं फ़ीचर्स वगैरह की। तो दोस्तों सबसे अच्छा फ़ीचर है इसके अंदर IP68। दोस्तों बारिश के मौसम में आप इस फ़ोन को ले जा सकते हो, अगर पानी वगैरह में थोड़ा बहुत गिर जाता है 1 मीटर तक पानी में, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर जो IP68 रेटिंग दी गई है ये काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है।
तो इस मामले में भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आता है। डिज़ाइन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, पतला फ़ोन है, देखने में अलग ही दिखता है। इसका कैमरा भी बम्प है दोस्तों, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा निकला हुआ हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है मुझे इस फ़ोन का। और इसका ब्लैक कलर दोस्तों ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लू वाला जो आता है वो इतना अच्छा नहीं लगता, बट अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ब्लू अच्छा लग सकता है। तो दोस्तों ये होगी फ़ोन की बात, इसकी करते हैं प्राइस की बात। तो दोस्तों ये अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ये आपको 64-65 हज़ार का मिलेगा, बट मैं बोलूँगा कि वीवो का डिवाइस है, आप अपनी मार्केट में ट्राई करो। मार्केट से लेते हो कैश में तो 5-6 हज़ार का डिस्काउंट आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा, और अगर दोस्तों आप थोड़ा बार्गेन करते हो तो मैं बोलता हूँ 7-8 हज़ार रुपये आपके आसानी से लेस हो जाएंगे, क्योंकि वीवो के डिवाइस होते हैं उनमें आपको ऑफलाइन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जो फ़ोन की बात हो चुकी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीवो X100 Pro और इसमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों वीवो का X100 Pro जो है उसमें आपको दोस्तों 2-3 चीज़ें देखने को एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि दोस्तों ज़्यादातर लोगों को यूज में नहीं होती। एक होती है स्टोरेज टाइप, तो इसमें आपको 2.0 का दोस्तों जो होता है स्टोरेज टाइप मिलता है। यहाँ पे दोस्तों जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है उसमें मिलता है 3.2 का, प्लस दोस्तों उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है 50 का दोस्तों, 50 वॉट का, बट इसके अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो काफ़ी लोग हैं दोस्तों जिनको वायरलेस चार्जिंग से कोई भी मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल चार्जिंग करते हैं क्योंकि ऑलरेडी चार्ज दिया गया है, तो वो क्यों करेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे दोस्तों 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसमें जो कि मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लगी, तो मैंने इसको लिया उसके बजाय। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या S24 या फिर OnePlus 12। तो दोस्तों तीनों फ़ोन अलग हैं। अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो iPhone की जैसा कॉम्पैक्ट हो, छोटा हो, जिसके अंदर आपको कैमरा नॉर्मल मिले, नॉर्मल से मतलब दोस्तों कि आपको नेचुरल कैमरा मिले जिसमें आपको ब्यूटीफाई जो होता है वो कुछ ना मिले, सिर्फ आपको जैसा है वैसा देखना है, तो आप सैमसंग का कैमरा आपको बेस्ट रहेगा। बट ये जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, पर सैमसंग का ही बेकार नहीं है। बट सैमसंग का फ़ोन दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए, उनको सैमसंग के अलावा कोई डिवाइस अच्छा नहीं लगता, एक छोटा फ़ोन चाहिए जो आसानी से आपकी पॉकेट में आ जाए, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेट में। अगर आप उसका 128 GB वाले वेरियंट लेते हो तो उसकी और इसकी रेट में ऑफलाइन अगर आप चेक करोगे ऑफलाइन जाके, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रही दोस्तों OnePlus की बात, तो OnePlus का फ़ोन दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनको एक बड़ा फ़ोन चाहिए, कैमरा बम्प दोस्तों अलग डिज़ाइन का हो, जिसको OnePlus की दोस्तों जो डिज़ाइन है वो अच्छी लगती है, तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं। बट आपको वहाँ पे जाके कैमरे से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि OnePlus 12 का जो कैमरा है वो S24 और X100 जितना पावरफुल नहीं है, आपको वहाँ कैमरा क्वालिटी इन दोनों से थोड़ी लो देखने को मिलेगी। अगर आपको कैमरा इतना मैटर नहीं करता तब आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट आपको उसमें IP68 की रेटिंग है वो भी देखने को नहीं मिलती, तो वहाँ पे भी आपको तो वो चीज़ दोस्तों देखनी पड़ेगी। बट उसमें एक चीज़ अच्छी मिलती है, वो होता है अलर्ट स्लाइडर जो यहाँ होता है दोस्तों, जिसमें आप ऊपर से ही अपने फ़ोन को वाइब्रेशन, साइलेंट और रिंग मोड पर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो मुझे सबसे अच्छा कौन सा फ़ोन है मेरी नज़र में, तो दोस्तों मुझे सबसे अच्छा फ़ोन लगते हैं सैमसंग के, क्योंकि सैमसंग का जो डिवाइस है दोस्तों काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। बट दोस्तों मुझे तो वीडियो बनाने के लिए फ़ोन चाहिए होते हैं अलग अलग, इसलिए मैंने इस फ़ोन को लिया। इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, जिन लोगों को दोस्तों कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, जो ज़्यादातर फ़ोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। और जिन लोगों को हैवी गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग करनी है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो वो दोस्तों OnePlus की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें मिलता है हमें 8 Gen 3, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं डायमेंसिटी के 9300 से आगे निकलेगा। तो जिन लोगों को सिर्फ हैवी गेमिंग करनी होती है और कैमरा काम चलाऊ चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं है बट काम चल जाएगा, तो आप OnePlus की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसकी प्राइस भी इसी की जितनी सेम ही है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अब बात करता हूँ दोस्तों कि आपको इसकी प्राइस जो दोस्तों ये है X100, ये आपको ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन। तो दोस्तों आप सबसे पहले ऑफलाइन ट्राई करो, क्योंकि वहाँ आपको EMI पर भी मिल जाएगा और कैश में भी, जो अच्छा डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं।
अगर आपको कोई भी और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मैं फिर मिलता हूँ उसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।